हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा में। आज की वीडियो में आपको भगवान कृष्ण के एक बड़े ही खास भक्त के बारे में जानने को मिलेगा। ये भक्त इतने खास थे कि दूर दूर तक इनकी चर्चाएं होती थी, ब्रिटिश सरकार भी इनके प्रभाव से अनजानी नहीं थी। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपको बता देती हूँ कि श्री कृष्ण के उस परम भक्त का नाम था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। ब्रिटिश सरकार तो उनके काम से इतना खुश थी कि उन्होंने इनके घर तक प्राइवेट रेलवे ट्रैक तक बिछा दिया था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, शायद ये नाम आपके लिए नया हो या हो सकता है कि आपको इनके बारे में अच्छे से पता हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप कभी किसी इस्कॉन मंदिर गए हो तो वहां आपको राधा कृष्ण विग्रह के पास इनके भी दर्शन हो जाएंगे। इनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था और वो इतने ज्ञानी थे कि जो कोई भी उनसे मिलता वो बस एक बारी में ही उनसे इम्प्रेस हो जाता था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनके ऊपर भगवान की भी विशेष कृपा थी। इस बात को आप एक घटना से समझ सकते हैं जो उनके जीवन में हुई थी। दरअसल ये घटना 1874 में हुई थी, जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को पता चला कि पुरी के राजा ने 80,000 रुपये का गबन किया है, जो धन वास्तव में मंदिर की संपत्ति था। इस पर भक्ति विनोद ठाकुर ने राजा को दंड के रूप में प्रतिदिन 52 बार जगन्नाथ जी को पकाया हुआ भोजन देने को विवश किया, क्योंकि उस समय उनके पास मंदिर की विशेष जिम्मेदारियां वो अधिकार थे, साथ ही पूरे जिले में वो एक लोकप्रिय व्यक्ति बन चुके थे। तो ऐसा करने से जल्द ही उस राजा के पास धन समाप्त हो गया, जिसकी वजह से वो भक्ति विनोद ठाकुर जी से बहुत गुस्सा हो गया। राजा अब इस बात का बदला लेना चाहता था, तो राजा ने उन्हें मारने की एक योजना बनाई, और वो भी कुछ इस तरह की किसी को भी उन पर संदेह ना हो सके। राजा ने गुप्त रूप से राज्य के अंदर भवनों में एक तांत्रिक अनुष्ठान करवाया, ताकि गुप्त तरीके से मंत्र जप की शक्ति से उन्हें मरवाया जा सके। इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उसने 50 पंडितों की मदद ली और ये 30 दिनों तक काम चला। लेकिन राजा की ये योजना गुप्त नहीं रह सकी, क्योंकि एक इन्फॉर्मर इसकी पूरी जानकारी समय समय पर आकर भक्ति विनोद ठाकुर जी को दे जाया करता था। पर जब यज्ञ अनुष्ठान का आखिरी दिन था और यज्ञ में आखिरी आहुति डाली जानी थी, तो इस तंत्र मंत्र की शक्ति का बुरा प्रभाव उल्टा राजा के ऊपर ही जा पड़ा और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की बजाय राजा के बेटे की मौत हो गई। ऐसे ही एक और घटना तब हुई जब वो चंपारण में रहते थे, जहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग किसी भूत की पूजा कर रहे हैं जो एक बरगद के पेड़ पर रहता था। लोगों को उस भूत की शक्ति में बड़ा विश्वास था, इतना विश्वास कि उन्हें लगता था कि भूत कोर्ट में जज का मन बदल सकता है। तो कोर्ट में कोई फैसला अपने पक्ष में करवाने की लालच में वो भूत को पूजते थे, जो बात श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने लोगों के इस बेवकूफी भरे काम को रोकने के लिए एक दिन एक बड़े विद्वान व्यक्ति को ठीक उस पेड़ के नीचे बैठकर श्रीमद् भागवत का पाठ करने को कहा। एक महीने बाद जब श्रीमद् भागवत का पाठ पूरा हुआ, तब वो पेड़ खुद पर खुद टूटकर जमीन पे जा गिरा। ये देख आसपास हर कोई हैरान था। भक्ति विनोद ठाकुर जी की भक्ति में कमाल की शक्ति थी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि बाकी कामों में भी बहुत कुशल थे। वो एक बेहतरीन मजिस्ट्रेट भी थे। जहां बाकी मजिस्ट्रेट किसी केस को पूरा करने में 30 से 45 मिनट का समय लगा देते थे, वहीं वो अपनी तेज बुद्धि से उस काम को 5 मिनट में खत्म करके अगले 1 से 2 मिनट के अंदर उसके फैसले को विस्तार से लिख देते थे। ये देख अंग्रेज भी हैरान थे और उनके हुनर को मान चुके थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना काम छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें अपने घर सुरभि कुंड से कृष्णा नगर कोर्ट तक आने जाने में काफी समय लग जाता था, जिस कारण उनको अपनी भक्ति संबंधित कार्यों के लिए उतना समय नहीं मिल पाता था जितना कि वो चाहते थे। पर ब्रिटिश सरकार उनके काम और बुद्धि से इतना खुश थी कि वो नहीं चाहते थे कि
वो काम छोड़कर जाएं। तो दोस्तों ये वही कारण था जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर तक प्राइवेट रेलवे लाइन का ट्रैक बना दिया था ताकि आने जाने में उनका समय बच सके और उन्हें लेने के लिए दो डब्बों वाली ट्रेन जाती थी। आज के समय में बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी की सुविधा देती है जिसमें 5 से 6 कर्मचारी तो आ ही जाते हैं, लेकिन सिर्फ किसी एक इंसान के लिए पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक खड़ा कर देना यकीन से परे है। हालांकि अब इस रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल नहीं होता है पर ये आज भी अपनी जगह मौजूद है। दोस्तों इसके अलावा अगर इनके बारे में और जाना जाए तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के बचपन का नाम केदारनाथ था, इनके पिता का नाम श्री आनंद चंद्र दत्त और माता का नाम श्री जगत मोहिनी देवी था। 2 सितंबर 1838 में केदारनाथ जी का जन्म बंगाल के नदिया जिले के बीरनगर में अपने नाना के घर हुआ था जो कि काफ़ी धनी थे। इस तरह उनका बचपन नाना की हवेली पर बीता था। केदारनाथ एक जिज्ञासा से भरे हुए बालक थे। आम तौर पर बचपन में हर किसी का ध्यान सिर्फ खेल कूद में ही ज़्यादा होता है, लेकिन अपने बचपन से ही केदारनाथ जानना चाहते थे कि आखिर ये जीवन क्या है और हम कौन हैं। अध्यात्म जगत और भगवान राम के नाम जप के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। अपने ढेर सारे सवालों को लेकर वो यहाँ वहाँ हर किसी के पास जाया करते थे, लेकिन उस समय उनको सफलता नहीं मिली। हर सवाल का जवाब आधा अधूरा मिलता जिससे उनको संतुष्टि नहीं हुई। 5 साल की छोटी सी ही उम्र में उन्होंने एक कविता लिख दी थी। हालांकि कहीं कहीं जिक्र आता है कि ये काम उन्होंने 2 साल की उम्र में किया था। 6 साल का होते होते केदारनाथ ने रामायण और महाभारत को पढ़कर अच्छे से समझ लिया था। जहां कहीं इन ग्रंथों पर चर्चा होती तो केदारनाथ वहां पहुंच जाते थे। इस तरह उन्हें इतिहास वो उसके तथ्यों का अच्छे से ज्ञान हो गया था। 9 साल की उम्र पर आते ही केदारनाथ जी ने ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन शुरू कर दिया था। उनकी जिंदगी के शुरुआती पल अच्छे गुजरे, लेकिन जब वो 11 साल के हुए तब उनके पिता का देहांत हो गया था जिसके बाद उनके परिवार को बुरा दौर भी देखना पड़ा था। लेकिन केदारनाथ जी ने अपनी कड़ी मेहनत, अपने भक्ति भाव और भगवान कृष्ण की अपार कृपा से अपनी स्थिति को मजबूत किया और अंग्रेज के शासनकाल में मजिस्ट्रेट का पद पाया। उस समय किसी भी भारतीय के लिए इतने ऊंचे पद तक पहुंच पाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इस कठिन काम को कर दिखाया। साथ ही उन्होंने भक्ति क्षेत्र और भगवान कृष्ण के नाम प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किए हैं उसका ऋण कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। दोस्तों इसके साथ ही वो कोई और नहीं बल्कि खुद भक्ति विनोद ठाकुर जी ही थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली को खोज करके भक्तों को एक अमूल्य तोहफा दिया। आज लाखों की संख्या में भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के उस जन्म स्थल पर जाकर उनका दर्शन करते हैं। अभी तक आपने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में जितना भी सुना वो उनकी पूरी जीवनी का एक छोटा सा अंश मात्र ही है, क्योंकि दोस्तों इनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि चाहकर भी सब कुछ मात्र एक वीडियो के माध्यम से बता पाना संभव ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।